पर्सन थियरी, दोनों का बेस पर थियरी का स्टडी करेंगे। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। बेस पर थियरी के बारे में आपको सबसे पहले बता दें, बेस पर थियरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम था गिलेस्पी और दूसरे थे नाइहोम। ठीक, दो साइंटिस्ट दिए थे गिलेस्पी और नाइहोम, इन दोनों ने दिया था। इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हम आपको सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इन दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा था, जो गिलेस्पी और नाइहोम थे, इन्होंने कहा था जो बेस पर थियरी होते हैं वो दो चीज पर डिपेंड करती है। एक होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और दूसरा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद फिर इसमें कुछ ना कुछ क्या पाए जाते हैं, रिपल्सन पाए जाते हैं। रिपल्सन जो पाया जाएगा वो लोन पेयर के बीच में सबसे अधिक पाया जाता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर जो होते हैं उसके बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, ये दो पॉइंट्स है। पहला मैंने क्या बताया, बेस पर थियरी दो पार्ट पे डिपेंड करेगी, सबसे पहला बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे। नेक्स्ट पॉइंट है लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो सबसे अधिक पाया जाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो उससे कम पाया जाएगा, और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है सबसे कम पाया जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी ऑर्बिटल्स रहेगा या कोई भी दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से जितना दूरी बना के रह सके उतना दूरी बना के वो रहते हैं। जैसे तो ज़्यादा क्या होगा, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं बी और ये सी एल टू, तो ये क्या कर सकता है, ज़्यादा 180 का डिस्टेंस बना सकता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो 180 से कम हो जाएगा, अगर ये दोनों थोड़ा सा नीचे आते तो भी 180 से इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये 180 का डिस्टेंस बना के रख सकते हैं इस तरह से। तो हम देखेंगे मेंटेन इट्स डिस्टेंस, वो क्या करते हैं अपनी दूरी को हमेशा बना के रखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है मेंटेन इट्स डिस्टेंस। कितना सुनिए आगे आप लोग। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताएंगे ये क्या हो सकते हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये ए बी टू टाइप का हो सकता है। ए बी टू टाइप का मतलब क्या है, एक सेंटर एटम हो और दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसी को हम बोलेंगे ए बी टू टाइप। ये ए बी थ्री टाइप भी हो सकते हैं। ए बी थ्री टाइप का मतलब ये है, कोई एक सेंटर एटम हो, तीन उसमें क्या हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये ए बी फोर हो सकता है। ए बी फोर का मतलब एक सेंटर एटम और चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ए बी फाइव, एक सेंटर एटम में पांच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एक सेंटर एटम में छह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या फिर एक सेंटर एटम के साथ हो सकता है सात बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके, ए बी टू टाइप का क्या होता है, ए बी थ्री, ए बी फोर, ए बी फाइव, ए बी सिक्स और ए बी सेवन, सबके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो एक एक स्टडी